वेलकम टू एडुजोश। एडुजोश में आप सभी लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17 अगस्त 2018 के करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो जब पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो जितनी भी हम उपलब्ध कराएँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। चलिए देखते, डेली हम करंट अफेयर 4 बजे सुबह उपलब्ध कराते हैं। आप इसका PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहां से आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.edujosh.com पर जाकर भी डेली विजिट कर सकते हैं। इस PDF फाइल में यहां पर आपको लिंक मिलेगा विजिट आवर वेबसाइट, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं, आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हो गया, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर एक सवाल है। हालांकि मैं इससे रिलेटेड वाजपेयी जी से रिलेटेड एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा जिसमें उनके बारे में पूरी उनकी जीवनी के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। उनका राजनीतिक करियर और क्या क्या था वो सारा डिटेल जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो सकता है वो सारा एक अलग वीडियो बनाकर हम आपको उपलब्ध कराएंगे। सबसे पहला प्रश्न है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हो गया, अटल जी कितनी बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। तो जो सही जवाब है वहाँ पर यह है 3। अटल जी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक है, जिनमें एक बार वो 13 दिन के लिए भी रहे हैं। देखिए अगला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार तंबाकू उत्पाद के पैकेट के कितने प्रतिशत हिस्से पर चेतावनी वाली तस्वीर छापना अनिवार्य है। चेतावनी मतलब यहाँ पर जैसे तंबाकू का ये अगर पैकेट है तो इसके कितने हिस्से पर चेतावनी लिखा होगा और जिसमें वो इमेज भी बनी होगी कि चेतावनी, जिससे कि ये ऐसा तंबाकू उत्पाद खाने से आपको कैंसर वगैरह हो सकता है, तो वो चीज़ें लिखी होगी, तो कितने प्रतिशत भाग पर वो होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो सही जवाब है 85%, यानी पैकेट का 85% कवर होना चाहिए चेतावनी से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार किसे सौंपा गया है। आपको पता है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल थे उनका पद पर बने हुए थे और उसी दौरान जो है वो उनका निधन हो गया, तो निधन के बाद वहाँ पर राज्यपाल का जो कार्यभार सौंपा गया है वो सौंपा गया है आनंदीबेन पटेल को। आनंदीबेन पटेल के बारे में आप जान लीजिए कि ये मध्य प्रदेश की जो है ये गवर्नर भी है, मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं, और इनको अतिरिक्त कार्यभार जो है राज्यपाल का वो कहाँ का दिया गया है, छत्तीसगढ़ का। और इससे पहले आनंदीबेन पटेल जो थी वो CM थी कहाँ की, गुजरात की, आप सभी को पता है ये। अच्छा, और जिनका निधन हुआ है वो बलराम दास टंडन जो कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थे, इनका निधन हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखिए, डाक राजमार्ग परियोजना भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त राजमार्ग परियोजना है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिया गया है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। जो सही जवाब है वो है नेपाल। नेपाल के और भारत के बीच में ये डाक राजमार्ग परियोजना के जो है वो एक संयुक्त परियोजना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस राज्य ने कन्याश्री के लिए आय की अंतिम सीमा को हटा दिया है, ठीक है। तो इसके लिए अंतिम सीमा की आय को जो हटाया है वो पश्चिम बंगाल ने हटाया है, ममता सरकार है वहाँ पर, ममता बनर्जी वहाँ की CM है। अगला सवाल है, अजीत वाडेकर का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित हैं। तो अजीत वाडेकर जो थे वो क्रिकेट से संबंधित है, ये भारतीय टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, ये ध्यान रखना है आपको। इनका संबंध जो है वो क्रिकेट से था और इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला सवाल देखिए, आयुष मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित दवाओं में से कौन सी नियंत्रित नहीं है। आयुष का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, आयुष, तो इसमें आती है आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, एलोपैथी पर इनका कंट्रोल नहीं है। तो जो सही जवाब होगा वो होगा एलोपैथी, ठीक है। अब आइए, दुनिया के सबसे बड़े हेल्थ केयर बीमा का शुभारंभ किसने किया है, ठीक है। आप सभी को पता है नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को इसकी घोषणा की है, तो ये सही जवाब इसका होगा नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगला सवाल देखिए, हाल ही में पिच टू मूव प्रतियोगिता की शुरुआत किसने की है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है स्वास्थ्य मंत्रालय, नीति आयोग, रेल मंत्रालय या फिर खेल मंत्रालय। तो जो सही जवाब है वो है नीति आयोग। नीति आयोग ने पिच टू मूव प्रतियोगिता की शुरुआत की है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस देश ने भारत से बच्चों को गोद लेने के लिए जो प्रतिबंध था उसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये किस देश ने हटाया है, ये ऑस्ट्रेलिया ने। पहले ऑस्ट्रेलिया ने प्रतिबंध लगाया हुआ था कि आप भारत से किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकते हैं, अब ये प्रतिबंध हटा दिया गया है। अब बात करते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका कमेंट में आपको जवाब देना है कमेंट करके, ठीक है। जो आज का सवाल है, सड़क सुरक्षा अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। आप अगर हमारी डेली वीडियो देखते हैं तो आपको ज़रूर हमारे आज के सवाल जो हम पूछते हैं उसका ज़रूर आप लोग जवाब दे पाएंगे।
ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार या फिर रणबीर कपूर, किनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सड़क सुरक्षा अभियान के लिए। ठीक है, ये कमेंट कीजिए और वीडियो अगर पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए। ठीक है, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, रेगुलर वीडियो उपलब्ध कराएंगे आपको। इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।